नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में संभल जिले की एक अदालत के आदेश पर मंगलवार को जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया। दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को खंडित करके किया गया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन गठित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि कमीशन के माध्यम से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे कराकर अदालत में रिपोर्ट दाखिल की जाए। उन्होंने कहा, संभल में हरिहर मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर दशावतार में से कल्कि अवतार यहाँ से होना है। वर्ष 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, उसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे निशान और संकेत हैं जो हिंदू मंदिर के हैं। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अदालत ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ASI, उत्तर प्रदेश सरकार, जामा मस्जिद कमेटी और संभल के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। आज माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल साहब के ऑर्डर के कम्प्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। अभी इसमें काफी चीजें अधूरी रह गई है, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। इस दौरान जो सर्वे हुआ है उसमें कुछ मिला? नहीं, अभी तो देखिए बहुत ही प्राइमेफेसाई सर्वे है, काफी चीजें हैं जो मैं इस समय नहीं बता सकता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है और मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज यहां पे एडवोकेट कमीशन महोदय ने अपने कमीशन की कार्रवाई शुरू की। अभी क्या क्या कमीशन में हुआ है, क्या क्या मिला है, उन सारे फीचर्स की, उन सारी बातों की डिटेल्स मैं यहां पे नहीं दे सकता। कहा जा रहा है कि 2 घंटे का सर्वे हुआ है, सांसद ने कहा कि इतने कम समय में सर्वे कैसे संभव था। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज यहां पे माहौल बनाया गया वो उचित नहीं था और प्रशासन से उपयुक्त सहयोग लेके प्रशासन को प्रॉपर प्रत्यावेदन देके जो भी आगे फर्दर सर्वे होना है वो कोर्ट के ऑर्डर के कम्प्लायंस में हम लोग करेंगे। जाओ जी के सदर थे, उनका कहना है कि 7 दिन का समय था सर्वे का, लेकिन अटेंडम कहीं भी कोर्ट में 7 दिन का नहीं ऑर्डर लिखा है। कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी 7 दिन का नहीं लिखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी हो और एडवोकेट कमीशन जब जारी हुआ तो एडवोकेट कमीशन ने यहाँ पे सर्वे किया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये नॉन इन्वेजिव सर्वे है। सिर्फ फोटोग्राफर्स और कैमरामैन अंदर गए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ के कंसर्न्ड SP और जो प्रशासन की टीम थी वो यहाँ पे मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में, और जिसमें मस्जिद कमेटी के लोग थे बहुत ज्यादा मात्रा में थे, जो अलाउड नहीं था उससे ज्यादा जाके उन्होंने मात्रा में वहां पे मौजूद रहे, तो सर्वे के दौरान वो लोग भी मौजूद थे। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात इसको समझ लीजिए, दोनों पक्ष सर्वे के दौरान मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है। सर्वे में किन किन लोगों को मौजूद रहना था? सर्वे में जो प्लेंटिफ है उनके वकील है और जो डिफेंडेंट है जो मस्जिद कमेटी उनके वकील, इन लोगों को रहना था। सांसद विधायक कुटुंब के अंदर रहे, प्रशासन की सर व्यवस्था पूरी नहीं थी यार, क्या लगता? देखिए ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने पूरा इसमें सहयोग किया है और प्रशासन जितना अपने तरफ से कर सकता था कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में, प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स थे प्रशासन ने लिए, पर आगे जो कदम उठाना है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय को उठाना है और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे कैसे काम होना है उसके ऊपर हम प्रशासन को रिप्रेजेंटेशन देंगे। सांसद जो है आगे जी और रहमान पर वो भी अंदर मौजूद थे, पहुंच गए थे, और जो सपा विधायक इकबाल उनके पुत्र भी पहुंच गए थे, तो उन्हें क्या सर्वे में रहना था? नहीं, ऐसा कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था उनको रहने का, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस समय मैं उसको नहीं बोलना चाहता हूं, पर मैं इतना बताना चाहता हूं कि काफी भारी मात्रा में वहां पे लोग थे अंदर और बाहर, जो कोर्ट के ऑर्डर की मंशा भी नहीं थी ना कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन था। तो आगे अभी हमें सर्वे करना है, अभी सर्वे का प्रिलिमिनरी काम हुआ है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे का आज ये सर्वे हुआ है, आगे अभी और कितना काम होना है वो अभी हम प्रशासन से रिप्रेजेंटेशन देके उसको डिसाइड। केला देवी के महंत जो है ऋषि महाराज जी, उन्हें बाहर रोक लिया गया गेट के बाहर। जी, उनको भी अंदर जाना था कोर्ट का ये, इसमें जो भी एडवोकेट कमीशन का सर्वे होता है उसमें प्लेंटिफ और प्लेंटिफ के वकील दोनों अलाउड होते हैं, पर ये अंदर नहीं जा पाए थे, पर ठीक है उनकी तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसकी बात नहीं है, इश्यू उन्हें बाहर रोक दिया गया। जी, सांसद विधायक पुत्र और भी अन्य जो लोग थे। नहीं, काफी मैं वही कह रहा हूँ कि इस समय मैं कोई एक डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में जितना काम हुआ है मैं आपको वो ब्रीफ कर रहा हूँ, और बाकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का ना ये समय ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ। इस समय एक लीगल प्रक्रिया चल रही है, उस लीगल प्रक्रिया का हम सारे लोग अनुपालन कर रहे हैं। दावा कब किया गया?
और कोर्ट का आदेश हुआ था और उसके बाद एडवोकेट कमीशन जारी हुए थे। एडवोकेट कमीशन कौन है, किसे बनाया? रमेश सिंह राघव। रमेश राघव सर, मस्जिद के वकील का ही कहना वहाँ कुछ नहीं मिला है। देखिए अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ कि हमें वहाँ पे फीचर्स में स्टडी करने में क्या क्या मिला है। हम तो अपनी अभी इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में काम कर रहे हैं जी, और मैं इससे ज्यादा कोई स्टेटमेंट नहीं देना। मंदिर होने के प्रमाण है? मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ कि हम मेरा जो प्लेंट है उसमें मैंने सारी बातें लिखी हैं। माननीय न्यायालय ने आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी किया है, अभी एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई चल रही है। ये प्रशासन से हम प्रत्यावेदन देके जब प्रशासन डेट इसकी फिक्स करेगा तब अगला सर। हम आपको बता दें कि विष्णु शंकर जैन ने बाद में एक्स पर पोस्ट किया, आज माननीय सिविल कोर्ट संभल ने मेरी याचिका पर एडवोकेट कमिश्नर द्वारा संभल में कथित जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, जिसे हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबर ने 1529 में इस स्थान को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार संभल में होना है। हम आपको बता दें कि संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने संवाददाताओं से कहा था कि आदेश के अनुसार एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया था, इस दौरान दोनों पक्ष मौजूद थे। उन्होंने कहा, हम सिर्फ सुरक्षा दे रहे थे, आज एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और वह अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेंगे। फिलहाल सर्वे की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय फैसला करेगा। इस बीच संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा है कि संभल की जामा मस्जिद ऐतिहासिक और बहुत पुरानी है। न्यायालय ने आदेश दिया था कि 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वे अपने स्थान पर ही रहेंगे, उसके बाद भी कुछ लोग देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, यहाँ आए एडवोकेट कमीशन ने अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है, उन्हें एक इंच जगह पर भी आपत्ति नहीं हो सकती, वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। मस्जिद है और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी है इससे वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल खराब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।